हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड, जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आपको ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था तो उसका रिजल्ट आ चुका है। और फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हैं आप इसमें ये UPIP वेबसाइट पर एक नोटिस आया है जिसमें दिया है दिनांक 8/18 को आयुक्त बैठक में काउंसलिंग बोर्ड नीट आयुक्त 2018 उत्तर प्रदेश द्वारा निम्न निर्णय लिए गए जिनका आवश्यक रूप से पालन किया जाना है। तो फ्रेंड, ये लिस्ट है पूरी द्वितीय काउंसलिंग के बाद अपग्रेड होने वाले अभ्यर्थियों की सूची। तो फ्रेंड, इसमें पूरी लिस्ट दी हुई है जिन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था और उन्हें किस कॉलेज से किस कॉलेज में ट्रांसफ़र किया गया है। आप देख सकते हैं जैसा कि नंबर 1 दिया हुआ है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, नीट रोल नंबर दिया हुआ है, नीट रैंक दी हुई है। स्टूडेंट नेम कृष्ण कुमार पांडे, इन्होंने राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी से राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ में ट्रांसफ़र लिया है, यानी कि अपग्रेड किया है। और इस तरह से फ्रेंड ये पूरी लिस्ट दिए सकते हैं, पूरी लिस्ट दी हुई है। इसमें टोटल 144 स्टूडेंट्स ने अपग्रेडेशन किया है, जिसमें कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हैं। और इसमें नीचे कुछ रूल्स भी दिए हुए हैं। सभी अभ्यर्थियों को चूज किया जाता है कि जिस कॉलेज में प्रवेश दिया गया है वे उसमें नियत तारीख से प्रवेश ले लें। प्रवेश न लेने की दिशा में उनका प्रवेश निरस्त हो जाएगा एवं उनकी सिक्योरिटी धनराशि जब्त हो जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने अपग्रेड के लिए ऑप्शन भरा है वे आवंटन पत्र में आवंटित कॉलेज से नियत तारीख तक प्रवेश अवश्य ले लें, अन्यथा उनका भी प्रवेश निरस्त हो जाएगा तथा उन्हें भी किसी भी सीट में एडमिशन नहीं मिलेगा। और फ्रेंड, इस तरह से ये आप पढ़ सकते हैं, नीचे पूरा दिया हुआ है कि आपको क्या करना है और इसका आपको डाउनलोड करना है। तो आप इसकी जो UPI उसकी वेबसाइट है UP NEET के नाम से, उस पर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड, आपको कोई क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।